वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वाई एकेडमी चैनल पर मैं अभिषेक तिवारी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज हम टॉपिक डील करने वाले हैं, आज आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मस्ट डू टॉपिक्स इन केमिस्ट्री फॉर साउथ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये सब टॉपिक क्या है, ये सब टॉपिक एटलीस्ट आपको कवर करके जाना है अगर आप केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो। ठीक है, ये सब टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है। तो ये टॉपिक क्या है, मस्ट डू है, ये एटलीस्ट आपको करके जाना है। आपके कम से कम 20 क्वेश्चन में से आपके क्या होंगे, आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 15 या फिर 16 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा 11th का टच करता है। वो भी मैं बता दूंगा क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चन वो 11th के टच करता है। ठीक है, वो प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है, बट जो 2-4 क्वेश्चन जो रिपीटेड है वो मैं इसको आपको बता दूंगा। ठीक है, और 1 या 2 क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे होता है जो एग्जामिनर ऐसे सेट करता है कि वो ना पता हो, ठीक है, जैसे आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक है, तो वो उसको प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है, बट ये सब जो टॉपिक मैं आज बताने वाला हूँ 2 चैप्टर के एटलीस्ट, वो मस्ट डू टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जब हम प्रेजेंट होंगे, आपको और भी चैप्टर के मस्ट डू टॉपिक बताएंगे केमिस्ट्री में, जो आपको एटलीस्ट कम से कम ये तो कवर करके जाना ही है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन आवर सेशन विद फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक तो पहला जो चैप्टर हमें डील करना है वो है क्या, फर्स्ट चैप्टर जो डील करना है वो है क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक हमें डील करना है वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 1 by 1 आप उसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में। तो ये टॉपिक्स आपको क्या है, मस्ट डू करके जाना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बताऊंगा कैसे पूछे जाते हैं, तो ये सब टॉपिक आपको कवर करके जाना है। फर्स्ट इसमें क्या पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट टॉपिक जो पता होना चाहिए वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ इसमें से हर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक रिपीट होंगे, जो क्वेश्चंस मैं एनालिसिस किए पेपर में लास्ट ईयर के सब उठा के देखे 4-5 साल के, तो उसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस यही टॉपिक से रिपीटेड हुए हैं, ये आपको पढ़ना नेसेसरी है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेकेंड टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया आपका क्या, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आपको सभी टाइप के पता होना चाहिए, सभी टाइप का इन द सेंस अगर मैं कहूँ तो क्या होगा आपका, इसमें हाइड्रोजन के टर्म्स में पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के टर्म्स में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में पता होना चाहिए और ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में भी पता होना चाहिए। मतलब क्या है, आपको एक इक्वेशन देगा, उसमें से आइडेंटिफाई करने बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज गेटिंग रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज, या फिर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, उसके बाद आपको क्या हो सकता है, हो सकता है आपको डेफिनेशन पूछ रहे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में या फिर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन जो है अधिकतर देखे जाते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट इक्वेशन में से। जो थर्ड क्वेश्चन देखा जाता है वो है, आइए देख लेते हैं कौन सा पूछा जाता है, देखते हैं थर्ड पूछा जाता है आपको रेंसिडिटी एंड कोरोजन पे। ठीक है, रेंसिडिटी एंड कोरोजन पे, रेंसिडिटी एंड कोरोजन पे। रेंसिडिटी में क्या है, आपको प्रिवेंशन पूछेगा, किससे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उसको रेंसिडिटी किस वजह से होती है, और हमें पता है क्या, वो ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है, किसकी वजह से होता है ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या यूज करना है, एंटी ऑक्सीडेंट यूज करना है, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टॉल्यून, BHT, ये सब क्या है, THBQ भी आप यूज कर सकते हैं, ये सब क्या आपका एंटी ऑक्सीडेंट है जो कि रेंसिडिटी से बचाएगा। कोरोजन से भी आपको पता होना चाहिए, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछे जाते, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, आपको पूछे जाएंगे कैसे पूछे जाएंगे, टर्म्स में पूछे जाएंगे, मतलब कोई एक्टिविटी देगा उसके हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो क्विक लाइम वाला रिएक्शन पूछा जाता है, जिसमें आपका क्या फॉर्म होता है, स्लेग्ड लाइम। ठीक है, जिसमें आपका क्या फॉर्म होता है, स्लेग्ड लाइम।
तो ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, प्लस ये इसमें पूछेगा क्या है हीट इवॉल्व होती है क्या नहीं होता, किस टाइप का रिएक्शन है, ये सब चीजें आपको पूछेगा, ठीक है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपको, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपने पांच पढ़े हैं, पांच आपको पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सभी आपको पांचों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एनालिसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, मेटाथीसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। तो हो सकता है आपको दूसरे टर्म्स के नाम, मतलब डायरेक्ट नाम ना देके दूसरा वाला नाम पूछ ले, जैसे एनालिसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, मेटाथीसिस रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन सा है, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन से रिएक्शन है। चार एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कौन सा रिएक्शन किस टाइप का है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, और इसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट केमिकल रिएक्शन एंड सिक्रीशन में ये पांचों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पांचों चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मस्ट डू टॉपिक्स है, ये आपको करके ही जाना है, एटलीस्ट किसी भी कीमत पे आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये मस्ट डू टॉपिक्स है, ठीक है। और इसमें क्या पूछता है आपको, रिएक्शन के तरीके भी पूछता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो रिएक्शन पूछता है, ठीक है। जैसे कैसे कह सकते हैं, जैसे आपको चार ऑप्शन दे दिया, ठीक है, इनमें से आइडेंटिफाई करना है आपको एक्सोथर्मिक कौन सा है, एंडोथर्मिक का है, प्लस इसमें गैस कौन सी रिलीज होती है, ठीक है। गैस रिलीज वाले मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें गैस रिलीज कौन सी होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, मेटल प्लस सॉल्ट आपको क्या देगा, सॉल्ट मेटल प्लस एसिड क्या देगा आपको, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल प्लस एसिड आपको क्या देगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस व्हाट, हाइड्रोजन गैस। तो आपको क्या पूछ सकता है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकली है आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद कौन सा साउंड आता है, पॉप साउंड आता है, तो ये सब भी आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। हालांकि ये वाला जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये इस चैप्टर में नहीं आता, आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मिल जाएगा, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पूछा जाता है, कितने टॉपिक हो गए मैंने आपको बताया, एक टॉपिक, दो, ठीक है, एक टॉपिक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और कौन से पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों एक ही बात है। ये सब टॉपिक क्या है, मस्ट डू टॉपिक्स है, बहुत बार रिपीटेड हुए, ठीक है। उसके बाद क्या पूछता है आपको, फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले, फॉर्मूलेज लिखना आना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, बैलेंसिंग कर पाओगे। इसी हिसाब से आपको क्या पूछा जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बैलेंसिंग व्हाट, केमिकल रिएक्शन। इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए, सभी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे स्टेट पूछता है, स्टेट भी कभी कभी आपको मेंशन करना रहता है, सॉलिड हो रहा है कि लिक्विड हो रहा है कि गैस हो रहा है, प्लस इसमें क्या है, अगर आपने फॉर्मूला गलत लिखा तो बैलेंसिंग भी गलत हो सकता है, तो बैलेंसिंग आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले का बैलेंसिंग करवा सकता है, या फिर आपको क्या, ट्रांसलेट करवा के बैलेंसिंग करवा सकता है, ठीक है, ट्रांसलेट करवा के क्या है, बैलेंसिंग करवा सकता है। तो ये सब क्या है टॉपिक, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको एटलीस्ट ये सब तो कवर करके जाना ही है, किसी भी कीमत पे ये आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये रहा क्या कुछ टॉपिक्स जो केमिकल रिएक्शन एंड क्विकेशन में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है, ये सब आपको कवर करके जाना है, ठीक है। और कुछ इसमें तो नहीं बाकी है मेरे हिसाब से, तो आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ
इसके आगे और क्या पूछ सकते हैं आपको, इसके आगे आपको पूछ सकते हैं वैलेंसी, ठीक है। कभी कभी वैलेंसी नॉर्मल टर्म्स का नहीं पूछेगा आपको, डिफरेंट टर्म्स का, जैसे क्लोरेट का पूछ सकता है, हाइपोक्लोरेट का पूछ सकता है, सल्फाइड का पूछ सकता है, सल्फेट का पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है सल्फेट कब लगता है, सल्फाइड कब लगता है, ठीक है, अस कब लगता है, एक कब लगता है। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो वैलेंसी भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्यों, वैलेंसी का क्या रिलेशन है, वैलेंसी का रिलेशन आपका है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक है। वैलेंसी आपको पता रहेगी तब आप ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये मस्ट डू टॉपिक्स है आपका फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में, ठीक है। और क्या पूछता है, इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल। ठीक है, ये हो गया आपका इरेज, इसके बाद देख लेते हैं हम और क्या पूछता है आपको। इसमें पूछता है एक, मैंने देखा मेजरमेंट ऑफ मैटर भी इसी में अगर हम लोग कवर कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ मैटर में आपको क्या, मोर इंपॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट आपका वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकालना आना चाहिए, वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है, या फिर क्या होगा आपको इक्वेशन के टर्म्स में भी देने पड़ता है। डायरेक्ट इक्वेशन दिख रहा है जिसमें आपको क्या होगा, वेट निकलवाते हैं, ठीक है, वेट कितना सॉलिड फॉर्म हुआ, कितना एवो फॉर्म हुआ, कितना मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। तो ये क्या है, आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। वॉल्यूम के टर्म्स में जिसका हमें पता है एक मोल में क्या होता है 22.4 लीटर्स होते हैं, ठीक है, 22.4 लीटर्स होते हैं, या फिर एक मोल में कितना एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो यही दो बेसिक इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो मोल मेजरमेंट ऑफ मैटर में मोल कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा मेजरमेंट ऑफ मैटर में कुछ भी नहीं पूछता, ठीक है, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट आपको पूछता है, उसके बाद सभी चीजें इसमें कन्वर्ट हो गई, इससे ज्यादा और आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी इनके याद करना है, प्लस ये रिएक्शन जो मेटल एंड नॉन मेटल जब चैप्टर आएगा मैं उसमें भी टॉपिक्स आपको बता दूंगा कि मस्ट डू टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर जो आपको मस्ट डू टॉपिक्स है वो सिर्फ इतने ही है, ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट आपने 8, 9, 10th में भी पढ़ा है, प्लस आपको ये सभी चीजें भी आनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं और भी चीजें कि क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं दूसरा टॉपिक क्या है हमारा। दूसरा टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसका वेटेज मैंने देखा है काफी ज्यादा रखते हैं, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ये आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें भी मैं आपको टॉपिक बताता हूँ जो मस्ट डू टॉपिक्स है, ठीक है, मस्ट डू टॉपिक्स है। तो जो आज का लेक्चर होगा इसी टाइप के, इसी ये लास्ट होगा, कार्बन एंड कंपाउंड्स के टॉपिक हम डील कर लेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापस उपस्थित होंगे, वापस प्रेजेंट होंगे, तो उसमें मैं आपको और भी मस्ट डू टॉपिक्स बताऊंगा जो चैप्टर से आपके रिलेटेड है, ठीक है, और प्लस 11, 12 के भी आपको मैं बता दूंगा। आइए देख लेते हैं मस्ट डू टॉपिक्स कार्बन एंड कंपाउंड्स में। पहला क्या है, आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपको सभी पता होना चाहिए, खासकर तो ईस्टर और ईथर के, खासकर किसके, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्टर सबसे ज्यादा, फिर एसिड्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि आपका वो मिनरल एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में आइडेंटिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर ईथर, नाइट्रो और अमीनो, एटलीस्ट इसके आइडेंटिफिकेशन तो आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट इसके आइडेंटिफिकेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन हो गया। सेकेंड टॉपिक क्या है आपको, आयुपैक नोमेनक्लेचर,
आर यू पैक नोमेनक्लेचर, आर यू पैक नोमेनक्लेचर, और दूसरा क्या, कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है, कॉमन नेम। हालांकि कॉमन नेम ज्यादा आपको पूछता नहीं, बट मोर प्रायोरिटी आप किसकी रखेंगे, मोर प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको किसकी रखनी है, आयु पैक नोमेनक्लेचर की रखनी है, ठीक है। आयु पैक भी आना चाहिए आपको, उसका नेमिंग कैसे करते हैं कंपाउंड्स का, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि सिंपल ही पूछता है, लेकिन आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। दो टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक जो डील करना है आपको क्या है, सैचुरेशन एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये हालांकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप या फिर आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको ट्रिक पता हो, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, एस फॉर सैचुरेशन, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैचुरेशन, एस फॉर सिंगल, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो जो भी मॉलिक्यूल या इसके जो भी कंपाउंड आपको दिया रहे जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसमें क्या होगा आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा क्या होगा आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। जिसमें इसमें आपका क्या आता है कैटेगरी, एल्कीन्स एंड अल्काइन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइन्स रेस्पेक्टिवली, और इसमें क्या है आपका अल्केन्स ही है, ठीक है, अल्केन्स ही है। उसके बाद क्या है आपका, तीन टॉपिक हो गए। इसके बाद होमोलॉगस सीरीज पता होना चाहिए, हालांकि डेफिनेशन वगैरह कुछ पता नहीं होना चाहिए, बट होमोलॉगस सीरीज ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कौन सी सीरीज का आएगा। जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे दिया आपको, बोलेगा कौन सा तीसरा होमोलॉगस सीरीज बताइए इस ग्रुप का, तो आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन वगैरह नहीं पता होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन होमोलॉगस सीरीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज। चौथा आपको क्या होना चाहिए पता, रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस, रिएक्शंस में भी कौन कौन से, सारे रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस में भी जैसे आपका आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेरिफिकेशन, ठीक है, स्टेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन का, हर बार आपको देखने मिलेगा। इसका कंपाउंड भी आपको पता होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन बेस पार्ट भी पता होना चाहिए, फिर इसका जो इसमें कैटलिस्ट यूज होता है ये भी पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है, इसमें सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, उसका वर्क क्या है, उसका रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन लिखा हूँ मैं, तो स्टेरिफिकेशन ये मतलब नहीं कि किसी से आप स्टेरिफिकेशन पढ़ के जा रहे, उसका सभी चीज़ें पढ़ के जानी है, रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, कभी कभी रिएक्शन देके प्रोडक्ट पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको पूछे अगर इसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व, तो हालांकि नहीं है लेकिन आपको पता होने चाहिए, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कैटलिस्ट भी। तो और जिसमें इन्वॉल्व होते हैं जैसे अल्कलाइन के अमीनो फोर है, एल्डिहाइड्स आपको कैसे बनता है, एसिड बनता है, ठीक है, हालांकि जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तब होता है, जैसे क्रोमेट यूज करेंगे तब क्या, एल्डिहाइड से आपका क्या बनता है कीटोन, फिर अल्कोहल से आपका एसिड बनता है। तो ये अल्कलाइन के अमीनो फोर वाला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अल्कलाइन के अमीनो फोर वाला भी रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका अल्कोहल इथेनॉल से आपका क्या बनता है, इथेनॉइक एसिड बनता है, अल्कोहल से क्या बनता है, एसिड बनता है, अल्कोहल से एसिड। तो अल्कलाइन के अमीनो फोर क्या है, तो आपको पूछा जाएगा अल्कलाइन के अमीनो फोर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए, तीसरा आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करने भी आ जाएगा कि क्या बनता है उसमें, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है सैचुरेटेड कंपाउंड से वापस सैचुरेटेड कंपाउंड में ही रहता है, बट क्या होता है रिप्लेसमेंट हो जाता है। जैसे मीथेन का ले क्लोरीन ले तो क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडिशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इन व्हाट, सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसका फेमस एग्जांपल इथीन का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पलेडियम है, ठीक है। तो निकल और पलेडियम आपको पूछ सकता है कौन से ग्रुप में भी एग्जिस्ट करता है, तो ये डी ब्लॉक में आता है। तो ये सभी क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है निकल और पलेडियम एज यूज एज अ व्हाट कैटलिस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब रहे क्या, एक दो तीन चार पाँच, पाँच टॉपिक हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोलता है,
उसके बाद आपको पूछा जाता है इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड का यूज, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड का यूज, ठीक है, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड का यूज, जिसमें आपको क्या आ जाएगा, खासकर आपको क्या पूछता है, खासकर आपको विनेगर क्या होता है एंड पावर अल्कोहल क्या होता है, ये दो चीजें आपको पूछता है, विनेगर क्या होता है एंड पावर अल्कोहल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ पता या ना हो यूजेस में, बट आपको ये पता होना चाहिए विनेगर और पावर अल्कोहल क्या है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, और क्या पता होना चाहिए इस टॉपिक में, और आपको पता होना चाहिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में सभी चीजें पता होनी चाहिए, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है, कौन सा एसिड इसमें यूज है, उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है, कौन किसमें सल्फोनिक एसिड होता है, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सभी चीजें आपको सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, सभी चीजें आपको क्या होना चाहिए, सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें सभी चीजें आपको कवर करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसी में को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसमें ही कंटिन्यू करते हैं हम, और देखते हैं हमारा क्या, और देखते हैं कुछ और भी टॉपिक जो 11th को टच करता है, ठीक है, 11th में मैंने टॉपिक जो देखा है बार बार जो टच किया जाता है वो है आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडल गैस इक्वेशन, ये क्वेश्चन मैं बार बार देखा हूँ, बार बार रिपीटेड हुआ है, आइडल गैस इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, यह क्या है आपका आइडल गैस इक्वेशन है, इसके ऊपर आपको क्या है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है, क्या है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स हो गया या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेगा, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेगा आपको, ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, हो सकता है अगर आपको इसमें आइडल गैस इक्वेशन इस बार पूछा है तो रियल गैस इक्वेशन भी पूछ सकता है, तो रियल गैस इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, रियल गैस इक्वेशन आप लिख सकते हैं, क्या होता है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस एन बी इक्वल टू आर टी, हालांकि अभी तक मैंने ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं दिखा है, बट पी वी इक्वल टू एन आर टी बार बार मैंने क्वेश्चन ये रिपीटेड देखा है, हर साल में आपको न्यूमेरिकल भी पूछता है, सपोज बोल देगा इसको मैंने ग्राफ प्रेशर, पी पी इधर क्या है, पी इधर क्या है आपका, पी है आपका प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम आपका, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट है, आर क्या है आपका, आर जो है आपका क्या है गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको दी रहती है, हालांकि नहीं दिया रहे तो आप याद कर सकते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होता है आपका एक वैल्यू, ये हो गई, दूसरा यूनिट क्या होता है 0.0821 लीटर एटम पर केल्विन पर मोल, जब अगर आपको वैल्यू मान लीजिए ये नहीं दिया है लेकिन हालांकि दिया रहता है तो आप ये हो सकता है, ठीक है, टी क्या इधर आपका टेम्परेचर है, तो ये वाला इक्वेशन आपको जो 11th का टच किया जाता है वो यही पार्ट है आपको टच किया जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या टच किया जाता है इसमें, उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, ठीक है, 11th में जो टच किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपको पूछेगा, कौन सा आपको sp बना रहा है, कौन सा कंपाउंड sp2 है, कौन सा कंपाउंड आपका sp3 है, ठीक है, या फिर इसमें जो 11th का एक और टॉपिक जो टच करता है वो क्या है, बॉन्ड एंगल पूछता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल कौन सा मॉलिक्यूल का कितना है, खासकर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का पूछता है, टेट्राहेड्रल का मैं लिख देता हूँ कितना होता है 109 डिग्री होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है CH4, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, एक एच
ठीक है। तो आपको पूछ सकता है जो टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल बना है वो कितने कार्बन और हाइड्रोजन के बना है। ये सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, 109 डिग्री है। ठीक है, सभी कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है 109 डिग्री है, तो चारों के बीच में क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल है। तो ये रही कुछ इलेवेंथ की बातें। ठीक है, इलेवेंथ की बातें हो गई। अब कार्बन एंड कंपाउंड्स में और भी जो बाकी है वो क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जो बाकी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन कंपाउंड्स में वो क्या है हमारा, आपको कॉमन नेम्स में भी आइसो नियो सेक टर्ट सेकेंडरी ब्यूटरी ब्यूटाइल कब लगाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपको जो कार्बन कंपाउंड से लास्ट टॉपिक जो बताया वो है एलोट्रॉप। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ व्हाट, कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ व्हाट, कार्बन। कार्बन में भी इंपॉर्टेंट क्या है आपका, आपके तीनों पता होना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड ग्रेफाइट, और लेस इंपॉर्टेंट क्या है आपका, फुलरीन। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप फुलरीन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें भी आपको पता होना चाहिए डायमंड में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है। हाइब्रिडाइजेशन में अगर इसका बोलूँ तो होता है sp3। ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर और आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, फुलरीन का C6 स्ट्रक्चर होता है बकी बॉल जैसा, तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट तीसरा इसमें क्या पता होना चाहिए, यूजेस। यूजेस में भी खासकर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन और नॉट, दोनों में ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में ये चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों क्यों इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, क्यों डायमंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, तो ये सभी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ और भी पूछता है, हालांकि ये मस्ट डू टॉपिक से आपको हर हाल में कवर करके जाना ही है। ठीक है, तो और जो टॉपिक्स में बचे हैं वो है दो तीन टॉपिक और पता है बचा हुआ है, दैट इज वॉट केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में खासकर जो एल्कलाइन के एमिनोफोर वाला रिएक्शन है, एल्कलाइन के एमिनोफोर वाला रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये मस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता ही होना चाहिए हर हाल में, इसके सभी चीजें पता होनी चाहिए। अल्कलाइन के एमिनोफोर क्या एक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज व्हाट, ये हमें पता है क्या एक्ट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करता है। ठीक है, प्लस इसमें क्या पता होना चाहिए आपको, सपोनिफिकेशन पता होना चाहिए, सपोनिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सपोनिफिकेशन से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन विथ मेटल्स पता होना चाहिए, रिएक्शन विथ मेटल्स, इसके प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, रिएक्टेंट क्या है, ये सभी चीजें इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, जितने टाइप के मैंने रिएक्शंस लिखे और आपको रिएक्शन टाइप बताए, सभी चीजें आपको कवर करके जानी। कार्बन एंड कंपाउंड्स में आप इतना आप कवर कर लिए तो आपका सब कुछ सारा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि मस्ट डू टॉपिक है, इधर से बार बार क्वेश्चन आपको रिपीटेड होते हैं, और खासकर इलेवेंथ के जो टॉपिक कवर किए गए हैं, जो टच किए गए मैंने वो भी बता दिए, आप उसका भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मस्ट डू टॉपिक से आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आई एम श्योर, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, ये एटलीस्ट एटलीस्ट मस्ट डू आपको करके ही जाना है। ठीक है, तब तक आप मजे से पढ़ते रहिए, टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।